समालखा में धान की खरीद को लेकर एसडीएम अश्विनी मलिक ने किया अनाज मंडी का निरीक्षण। एसडीएम ने अनाज मंडी की सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। प्रधानों से मिलकर मंडी की साफ सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था देखी। मंडी के दौरे के बाद अटल सेवा कैंटीन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने खाना खाने वाले मजदूरों से बातचीत की। उन्होंने खाने के बारे में जानकारी ली और खाना खाने वाले मजदूरों ने यहां दिया जा रहा खाना अच्छा बताया और उनकी सराहना की। एसडीएम समूह की प्रधान मुकेश से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। एसडीएम ने कहा कि मंडी में धान की फसल लेकर आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से मंडी में सरकारी धान की फसल की खरीद शुरू हो जाएगी। मंडी में उठान की समस्या ना आए उसको लेकर मार्केट कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मीटिंग भी ली। क्या कैंटीन में कैसा क्या कुछ लगा? देखिए, अटल किसान मजदूर कैंटीन है जो अभी निरीक्षण किया। ये हमारी जो स्वयं सहायता समूह आटा गांव का जो क्लस्टर है उन बहनों द्वारा चलाई जा रही है और पूछा भी जो लोग खाना खा रहे हैं वो उससे संतुष्ट हैं। और लगभग 11 बजे से 3 बजे तक ये कैंटीन चलती है और उसने पता लगा कि 200 से ज़्यादा ही लोग आते हैं। 200 की रिक्वायरमेंट है, 200 तक की सब्सिडी मिलती है सरकार से। 10 रुपये की थाली किसान और मजदूर को दी जाती है, उससे ज़्यादा 15 रुपये उस थाली पर सरकार द्वारा भी दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 25 रुपये अनाज मंडी में अभी धान का शुरू हो गया, तो इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, उसी निरीक्षण पर थे, साफ सफाई और मंडी में भीड़ ना हो। जैसे ही फसल है उसका उठान समय पर हो। और अभी प्रधान जो है मंडी के, 2 प्रधान हैं, 1 प्रधान यहाँ पर स्टेशन पर नहीं है, दूसरे प्रधान अभी बुलाएं, उनके साथ अगर कोई समस्या है उनके साथ विचार विमर्श करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट।